दो दिन पहले ये खबर आई थी कि यूनियन कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को बनाने के लिए अपना अप्रूवल दे दिया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है रेलवे, बैंकिंग और एसएससी से संबंधित जो नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं सरकार की, केंद्र सरकार के, उन मामलों में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हुए उन्हीं अंकों के आधार पर 3 वर्ष तक विभिन्न नौकरियों में अप्लाई करने की उसमें व्यवस्था रहेगी। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जा रही है और उसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। वो जो मार्क्स उनको आएंगे स्टूडेंट्स को, जो कैंडिडेट्स को, वो दूसरी एजेंसियां भी उन मार्क्स को लेकर के उसके बेसिस पर नौकरियां दे सकती हैं। तो इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें धीरे धीरे दूसरी जो केंद्र सरकार की नौकरियां या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो भी इस मामले में इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर को यूज कर सकती हैं, जो स्कोर की वैलिडिटी 3 साल तक होगी। अभी खबर ये आई है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश एनआरए सीईटी का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पर मध्य प्रदेश में नौकरियां देने का काम करेगा। उन्होंने ये कहा है कि इससे एक तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आएगी और दूसरा कैंडिडेट्स का और राज्य का खर्चा या संसाधन भी बचेंगे। तो मध्य प्रदेश एक तरह से पहला ऐसा राज्य हो गया है जिसने घोषणा की है कि जब एनआरए के तहत एनआरए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा और उसका स्कोर कार्ड जो आएगा उसको यूज करते हुए मध्य प्रदेश अपने यहाँ पर जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है उसमें रिक्रूटमेंट के तहत उस स्कोर का यूज करेगा और उसी के बेसिस पर नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी।